जी हाँ, कुलदीप यादव पहली गेंद लेकर तैयार। टाइम आउट के बाद लगातार प्रभावित किया है कुलदीप यादव ने इस साल। ओवर की पहली गेंद, अश्विन ने इस बार इस गेंद को टहलाया लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन के साथ स्ट्राइक को करेंगे रोटेट। 47 पर पहुंचता हुआ राजस्थान का स्कोर, मौजूदा रन रेट निराशाजनक नजर आ रही है। जिस प्रकार से ये रन बना रहे हैं, 5.13 का मौजूदा रन रेट है। ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच समझ कर खेल रहे हैं, क्योंकि ये ना भूलें एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना होगा। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 144 हाईएस्ट है। ओवर की अगली गेंद, इस बार रियान प्रयाग ने बैकफुट पर जाकर पंच सा किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक ही रन मिल पाएगा। रियान प्रयाग की अगर हम बात करें, पिछला मैच काफ़ी इनका अच्छा था, और दूसरी बात यह है कि रणजी ट्रॉफी में काफ़ी बेहतरीन कार किया इन्होंने, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। बहुत सारी चर्चाएँ इनके ऊपर रही हैं पिछले 2 वर्षों से, और भारतीय टीम कि अगर हम बात करें तो ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत बड़ा फ़ायदा करा सकता है। ओवर की अगली गेंद, ये वाइड गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, बल्लेबाज से कोसों दूर रही है गेंद, एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। 9.2 गेंदों के बाद 49/3 राजस्थान का स्कोर। जी हाँ, अब एक बार फिर से, और यहाँ पर चेकिंग हो रहा है स्टॉम्प। जी हाँ, स्टॉम्प चेक किया जा रहा है। कीपिंग अच्छी ज़रूर थी। अभी तक तो अश्विन पूरी तरीके से क्रीज पर ही हैं, गेंद पड़ने के बाद उनसे काफ़ी दूर थी, दोनों ही पाँव यहाँ पर पिच पर ही हैं, लेकिन एम्पायर थोड़ा सा वक्त जाया कर रहे हैं। एम्पायर इस समझ में नहीं आ रहा है क्या चेक करना चाहते हैं। जी हाँ, एम्पायर थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहे हैं, और मुझे ये डिसीज़न बहुत क्लियर नोट आउट का नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होगा। एक पांव उठा था, जी हाँ एक पांव उठा था, लेकिन दूसरा पांव बिल्कुल क्रीज के अंदर ही था, तो ये कहीं से भी आउट नहीं है। और एम्पायर यहाँ पर समय को जाया कर रहे हैं। बहरहाल, नोट आउट के साथ ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होंगे ओवर द विकेट कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ओवर द विकेट। फ्लाइटेड गेंद, अश्विन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद वहां पर। एक ही रन मिल पाएगा। अश्विन को भेजा इसलिए गया है कि थोड़ा बहुत टाइम पास करके विकेट बचा के रखे, उसके बाद हिटर के लिए उनके पास हेटमायर हैं और ध्रुव जुरेल हैं, तो ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत तेज़ी से रन बना सकते हैं। ये मानसिकता है कप्तान संजू सैमसन और उनके कोच की। बेराल ओवर की अगली गेंद, रियान प्रयाग ने डीप स्क्वायर लेग की जानब खेला, एक रन की मांग, दूसरे की तैयारी। रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ा सा अश्विन पीछे रहते हैं, और इस बार भी पीछे रह गए। दो की मांग थी लेकिन एक ही लिया, और अश्विन की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़्यादा धीमी है। जी हाँ, ये एक अश्विन के साथ अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना होता है कि भैया बॉल आपका क्लियर होना चाहिए। बेराल ओवर की अगली गेंद, रविचंद्रन अश्विन को इस बार आगे निकलकर हवाई फायर किया, गेंद गई ये डीप मिड विकेट के जानिब 6 रन के लिए। बल्ले पर इस बार संपर्क काफ़ी बेहतरीन रहा, और ये उम्मीद नहीं थी अश्विन से, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन कार्य। कुलदीप यादव के सामने आगे की लाइन थी, लेकिन जैसे ही देखा थोड़ा सा गेंद को खींचने की कोशिश की थी कुलदीप यादव ने, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पीछे की लाइन नहीं थी, और उसे आगे बढ़कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उड़ाया। मेरा अनुमान है कम से कम 80 मीटर के ऊपर का छक्का होगा जिस प्रकार से इस गेंद को बाहर भेजा है। वेराल ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार अश्विन ने ढकेल सा दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन की मांग आसानी के साथ करेंगे पूरा। ये ओवर काफ़ी बेहतरीन रहा राजस्थान के लिए। इस ओवर से आए हैं टोटल 12 रन। जी हाँ, ये अच्छा ओवर रहा, और इसी के साथ अब राजस्थान का जो करंट रन रेट है 5.80 का हो चला है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। उम्मीद करेंगे यहाँ से अब जो रन रेट है वो बढ़ना शुरू हो और एक अच्छे मुकाम तक जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कम से कम हमारी उम्मीद रहेगी कि राजस्थान यहाँ से एक सम्मानजनक स्कोर तक जाए, क्योंकि राजस्थान अगर अच्छा स्कोर खड़ा करती है ये मैच बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। राजस्थान के पास संदीप शर्मा, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट और भारत के दो प्रमुख स्पिनर यजुवेंद्र चहल अश्विन जैसे स्पिनर हैं। क्वालिटी गेंदबाज की कमी नहीं है। बहरहाल, नोकिया आएंगे गेंदबाजी करने।
नोकिया का इस्तेमाल इतना लेट, और एक ही ओवर नोकिया ने किया था, एक ओवर में महज 3 रन था। नोकिया काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज हैं, देखना दिलचस्प है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे। रविचंद्रन अश्विन के सामने शॉर्ट पिच गेंद एक ट्रिक हो सकता है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ रियान प्रयाग के सामने भी शॉर्ट पिच गेंद होगी। विराट अश्विन सामने, ओवर द विकेट, नोकिया लेकर तैयार। पहली गेंद, गुड लेंथ की गेंद को हवाई फायर किया, गेंद गई है डीप मिड विकेट पर दूर 6 रन के लिए। ये उम्मीद से परे बल्लेबाजी हो रही है रविचंद्रन अश्विन की जानिब से। जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी, गुड लेंथ की गेंद थी, लेकिन उसे शॉर्ट पिच सा समझा और सीधा पुल किया। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन शॉट अश्विन के बल्ले पर ये गेंद लगी। और अश्विन जैसे खिलाड़ी टाइमिंग पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि उतना दम है नहीं, उतना पावर है नहीं, ये टाइमिंग पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और यही कारण है कि 2 छक्का जो इन्होंने लगाया था वो भरपूर टाइमिंग से भरा हुआ शॉट था। विराट ओवर की अगली गेंद, रविचंद्रन अश्विन 9 गेंदों में 18 रन, ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ओवर द विकेट, इस बार स्कूप करने की कोशिश थी लेकिन बल्ले पर संपर्क रहा नहीं, मुझे लगता है इम्पाल लेग बाई का इशारा देंगे। गेंद गई डीप थर्ड मैन के जानिब, कोशिश कर रहे थे सूर्यकुमार यादव के अंदाज में शॉट खेलने की, ऑफ साइड में आकर उस गेंद को डीप फाइन लेग की जानिब खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं रहा। 10.2 गेंदें 65/3, अब रफ्तार थोड़ी सी ठीक ठाक नज़र आ रही है राजस्थान की। 6.29 का रन रेट पिछले 4-5 ओवर के बाद ये नज़र आया, तो ये अच्छी बात है। जी हाँ, 5 ओवर के बाद ये रन रेट 6 के ऊपर पहुंचा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि इसको बरकरार रखें और कम से कम 150-160 तक जाएं। शॉर्ट पिच गेंद हो सकती है रियान प्रयाग के सामने। वेराल आगे की लाइन को इस बार डीप स्क्वायर लेग की जानिब खेला, एक ही रन मिल पाएगा। और देखिए, कभी भी अगर एक ओवर में अगर आपकी ओवर में छक्का आ जाता है पहली गेंद पर, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि बाकी की गेंद पर अगर आप सिंगल भी लेते हो तो आपका ओवर 10-11 रन का आराम से हो सकता है। तो ये दिमाग में रखना चाहिए, 6 रन अगर छक्का पहली गेंद पे आ चुका है, 2 सिंगल लिए 8 रन हो चुके हैं, बाकी की 3 गेंदों में अगर सिंगल आता है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बल्लेबाज को उसके बाद की गेंदों पर हवाई फायर से बचना चाहिए। वेराल ओवर की अगली गेंद, ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, इस बार पुल किया, गेंद गई है दूर दर्शकों के बीच 6 रन के लिए। गलत प्लानिंग था नोकिया के द्वारा, 142.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद आई थी, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले के मध्यम में जाकर ये गेंद लगी, और टाइमिंग पूरी तरीके से टाइमिंग पर ये शॉट था, कमाल का शॉट। मैंने पहले भी कहा था कि अश्विन की बल्लेबाजी देखने में मज़ा आता है, इसलिए मज़ा आता है कि पता नहीं होता है कि क्या करेंगे। तो ये खिलाड़ी पूरी तरीके से, जी हाँ, ओवर की अगली गेंद, अब देखना दिलचस्प होगा। अश्विन ने इस ओवर को काफ़ी बेहतरीन बनाया है। इस बार अश्विन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद होंगे, एक ही रन मिल पाएगा। फिलहाल दोस्तों बने रहिएगा